खरगोन जिले के निवासी प्राचार्य कंचन सिंह डावर की बेटी श्रीमती श्वेता डावर ने मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी 2019 में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। श्वेता विगत 4 वर्षों से बैंक ऑफ इंडिया की शाखा महेश्वर में कार्यरत है और गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड न्यूट्रिशियन भी है। श्वेता की शादी इंदौर निवासी वैभव जामोद के साथ सन 2018 में हुई। श्वेता का बचपन से सपना था कि पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है और यह मौका उन्हें ऑनलाइन आवेदन के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसके बाद उनका टेलीफोनिक और ईमेल के द्वारा इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने अपना परिचय वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा दिया गया। हजारों प्रतिभागियों के बीच श्वेता का चयन ऑल इंडिया लेवल पर टॉप 26 में हुआ। 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक थाईलैंड में ग्रूमिंग सेशन कराया गया और थाईलैंड की अलग अलग लोकेशन पर फोटोशूट कराया गया। 17 दिसंबर को नई दिल्ली में कंट्री इन बॉय रेडिसन होटल में उनका टैलेंट राउंड, कल्चरल राउंड और PPT प्रेजेंटेशन हुआ। 18 दिसंबर को उसी होटल में ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग परिधानों में 3 राउंड हुए और एलिमिनेशन के बाद 10 में श्वेता ने अपनी जगह बनाई और उन्हें मिसेज इंडिया मेमोराइजिंग 2019 का टाइटल मिला। शो की डायरेक्टर मिस गिन्नी कपूर और मिस्टर गगनदीप कपूर थे। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। बच्चे आजकल अच्छे पढ़े लिखे हो गए, विदेशों में घूम के आ रहे, कई बार घूम के आए, उधर पहले इंडोनेशिया गए थे, अभी थाईलैंड गए और दिल्ली में कोई कंपटीशन में भाग लिया, उसमें टॉप 10 में आई बहू, तो अच्छा है। तो आप ऐसी बहुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, आगे और प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, ये सब प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए और एक छोटे से गांव से इतने प्रोग्रेस करे तो अच्छी बात है। मेरा बचपन से सपना था कि मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है और पढ़ाई के साथ ये सब सोच पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मैंने ये करने की ठानी और मैंने जॉब लगने के बाद फेसबुक पर ऑनलाइन आवेदन किया इस कंपटीशन के लिए। उसके बाद मुझे ईमेल के थ्रू क्वेश्चन पूछे गए, मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया गया, मैंने अपना परिचय एक वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा दिया। उसके बाद सिलेक्शन के बाद हम लोगों को थाईलैंड ले जाया गया, वहाँ पर हमारा फोटोशूट और ग्रूमिंग सेशन कराया गया। उसके बाद दिल्ली के कंट्री इन रेडिसन होटल में हमारा 3 राउंड हुए थे, कल्चरल राउंड, PPT राउंड और टैलेंट राउंड। उसके बाद दिल्ली में ही उसी होटल में हमारा फिनाले का आयोजन किया गया, उसमें हमारे 3 राउंड हुए, अलग अलग परिधानों में हमारा रैंप वॉक हुआ। उसके बाद मैंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई और मिसेस इंडिया मेस्मराइजिंग 2019 का खिताब अपने नाम किया। आपने जॉब में रहते हुए इसमें जो सफलता हासिल की, तो आपको कोई परेशानी आई जॉब में या इसको वहां तक पहुंचने में? परेशानियां बहुत आ सकती थी, लेकिन मुझे माहौल ऐसा मिला, मेरे कर्मचारी मेरे साथ के जो है उन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया, मेरे हर काम में मुझे साथ दिया कि ठीक है ये प्लेटफॉर्म नया है, तो उन्हें समझने में शायद प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझा। मैंने लास्ट मंथ ही अपना एक न्यूट्रिशन का कोर्स कंप्लीट किया और गवर्नमेंट का मुझे सर्टिफिकेट मिला है न्यूट्रिशनिस्ट का। ससुराल में रहते हुए यहाँ से आपको कोई परेशानी आई या यहाँ से कैसा आपको सहयोग मिला? मुझे ससुराल से पूरी परमिशन मिली थी, बहुत सहयोग मिला, मेरे पति श्री वैभव जामोद और सासू माँ श्रीमती बालकिशोरी जामोद जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे हमेशा समर्थन दिया और आगे भी करने के लिए प्रेरित किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।